चलिए इस खबर पर संवाददाता संतोष का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ उज्जैन से लाइव जुड़ गए हैं। संतोष, एक बड़ी बैठक आज आयोजित की जा रही है नए प्रशासनिक संकुल भवन में, तमाम विषयों पर चर्चा तो होनी है, साथ ही साथ कई प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी। बिल्कुल शुभांगी, बताने से महाकाल की नगरी, धार्मिक नगरी में आज एक सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बैठक, कैबिनेट की जो परिषद की मंत्रिमंडल की जो बैठक यहाँ रखी गई है, ये उज्जैन में इतिहास में पहली बार है कि इतनी बड़ी मंत्रिमंडल की जो बैठक है वो उज्जैन में आयोजित की गई है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित मध्य प्रदेश सरकार के तमाम बड़े मंत्री हैं जो बैठक में शामिल होंगे। और खास बात ये कि पूरा परिषद है वो यहाँ अहम मुख्य जो प्रमुख प्रस्ताव रहते हैं उस पर भी कहीं ना कहीं उज्जैन में मोहर लग सकती है। और साथ ही मध्य प्रदेश के विकास की भी बात करें तो कई ऐसे अहम प्रस्ताव है जो मुख्यमंत्री के साथ मंत्रिमंडल में यहाँ मोहर लगेगी। और साथ ही उसके साथ उज्जैन में भी जो सौगातें मिलने की जो बातें चल रही है उस पर भी आज हो सकता है कि उज्जैन को भी एक यही अहम प्रस्ताव में से उज्जैन को एक बड़ी सौगात मिल सके। और साथ ही आने वाले जो 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भव्य महा कॉरिडोर जो शिव सृष्टि का नाम रखा गया उस पर भी चर्चा होगी। और चर्चा के साथ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं अहम बिंदुओं पर भी में चर्चा होगी। साथ ही बैठक के बाद महाकाल कॉरिडोर का जो निरीक्षण है वो भी मुख्यमंत्री के साथ तमाम मंत्री मंडल के जो लोग आने वाले, जो मंत्रीगण आने वाले हैं वो भी उसका निरीक्षण करेंगे। और साथ ही बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक कर आशीर्वाद भी लेंगे। 12:30 बजे ठीक यहाँ सभी मंत्री मुख्यमंत्री सहित नए जो प्रशासनिक विक्रमादित्य संकुल भवन बनाया गया है इसके 3rd फ्लोर पर बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद मीडिया को ब्रीफिंग भी किया जाएगा। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। लगभग 400 से 500 पुलिस कर्मियों को पूरे उज्जैन के जैसे संकुल भवन हो गया, हेलीपैड हो गया, महाकाल मंदिर हो गया, कॉरिडोर सहित तमाम ऐसे जो बड़े चौराहे वहां पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है क्योंकि अहम महत्वपूर्ण बैठक पहली बार उज्जैन में आयोजित हो रही है। और साथ ही तमाम जो बड़े मंत्री है, कुछ मंत्री तो कल रात को ही उज्जैन में आ गए थे, आज उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन भी किए हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद चरक भवन का निरीक्षण भी किया है और उन्होंने भी कई ऐसे दिशा निर्देश जारी किए, जो भी स्वास्थ्य संबंधित अधिकारी उनको वहीं तत्काल उन्होंने दिशा निर्देश के जारी करने का भी बिल्कुल यानी ये कहा जाए संतोष की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और अब 12:30 बजे से नए प्रशासनिक भवन में कैबिनेट की ये बैठक शुरू होगी जो पहली बार उज्जैन में आयोजित की गई है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।